दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। साथ ही इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे आपका मुख सेविका के दोस्तों कट ऑफ को लेकर के। देखिए साथ ही आपका यूपी SSSC की तरफ से दोस्तों आपका 24 तारीख को यानी 24 सितंबर को आप लोगों का दोस्तों एग्ज़ाम करवाया गया, ठीक है। जो कि आपका अगर बात करें जितनी भी बहनों ने एग्ज़ाम दिया था दोस्तों, आपका ये दो शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था, Shift 1 एंड Shift 2। दोस्तों अगर दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम को अगर हम लोग देखें तो आपका दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम आसपास दोस्तों 4 से 10 क्वेश्चन को छोड़ दें तो दोनों शिफ्ट का एग्ज़ाम दोस्तों आपका लगभग सेम ही पैटर्न पर दोस्तों सेम ही लेवल का आपका एग्ज़ाम था। अब देखिए साथ ही अगर बात करूँ आपका, सबसे बड़ी बात दोस्तों आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी और डीवी के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, कितने नंबर कट ऑफ जा सकती है आपकी डीवी के लिए। देखिए साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको कुछ डेटा मैं दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए मैं बात करूँगा दोस्तों आपका कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। करीब करीब दोस्तों 45,900 बच्चों के आसपास बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें दोस्तों अगर अप्रोक्स डेटा हम लोग लें तो मान सकते हो दोस्तों 45,000 के आसपास जो बहने थे उनको क्या था, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों देखिए अगर बात करें आपका 2693 आपकी वैकेंसी है इसमें, और इसका अगर हम लोग 30 गुना करेंगे तो कम से कम बच्चे जाएंगे 81,000 के आसपास। यानी 81,000 के आसपास स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करना था, लेकिन उतना आपका फॉर्म ही नहीं अप्लाई हुआ था। तो क्या किया इसमें, जितना भी बच्चों का 0 से ऊपर यानी 0 से दोस्तों ऊपर जितने भी लोगों के अंक थे सभी के सभी को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था। अब देखिए पूरी बात को मेरी बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक। अब देखिए जो साथी का 0 था 1 था यानी मतलब 0 से ऊपर 1 2 3 जितने भी पेट में आपके स्कोर थे उन सबको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था। अब देखिए अगर मैं इस डेटा को लूँ, कम से कम देखिए ऐसे अप्रोक्स मतलब जो ढंग के कैंडिडेट थे यानी जिन बहनों का नंबर 35-40 के ऊपर था, अगर मैं बात करूँ रॉय स्कोर इस पर, इवन आपका किसमें आपका पेट 2021 के हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया गया था, आप लोगों को सबको पता है। तो अगर आप लोग देखोगे जिनके भी जो है 35-40 के आसपास ऊपर थे वो सारे के सारे लोग मतलब अच्छे पढ़ने में स्टूडेंट थे उनको हम मान सकते हैं। तो अगर आप देखोगे इसमें ये कैंडिडेटों की जो संख्या आपकी आएगी करीब करीब वो 20 से 25 हज़ार ही कैंडिडेट आपके हैं जो यानी आपका 35-40 नंबर आपका पेट में स्कोर कर सकते थे, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आपके एग्जामिनेशन पैटर्न को, तो आपने देखा होगा एग्ज़ाम यानी आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड थे, जो चीज़ों को पढ़ करके करता वही कर पाता, ठीक है ना। और इसमें देखिए कुछ ऐसी थी बहनें हमारी जिनकी जो मेरिट थी यानी मतलब जिनको उतना पढ़ने का समय भी नहीं मिला था वो लोग भी इसमें सम्मिलित हुई थी। ये सारे संख्या को अगर हम लोग देखें और समझने का प्रयास करें साथ ही, तो देखिए जो मेरे हिसाब से दोस्तों जो आपका कट ऑफ है, देखिए UR कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 55 से 60 नंबर के बीच में जिनके भी रहे रहो वो अपने आप को सेम समझें, ठीक है ना। वहीं अगर EWS में बात करूं मैं तो आपका 48 से 53 नंबर के आसपास आपका EWS की कट ऑफ जाने की पूरी पूरी संभावना, तो पूरा रिसर्च करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। और OBC में देखिए आपका EWS से ज़्यादा कट ऑफ रहेगा आपका OBC का, OBC में आपका 50 से 55 नंबर के आसपास आपका OBC का रहना। वहीं SC ST की बात करें आपका तो 42 से 47 नंबर के आसपास आपका SC ST की कट ऑफ जाने की संभावना है। अब देखिए अगर बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे, बहुत सारे बहने हमसे बार बार कमेंट करके कह रही थी कि सर हमारा जो ये कट ऑफ है, चलिए तो मान लीजिए आपका ये फाइनल कट ऑफ हो सकता है जो आपका सिलेक्शन होगी। अगर बात करें आपका DB के लिए तो आप अपने अपने कैटेगरी में 2 से 3 नंबर अपने आपको लेस करके आप लोग चल सकती हैं। दूसरा देखिए जिनको फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था उनको निश्चित रूप से 3 से 5 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में 100% आप लोगों को फायदा होने वाला है। इसको आप लोग लिख करके ले लीजिए, 3 से 5 नंबर आपको जरूर से जरूर नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को मिलने वाले हैं, आपके नंबर जरूर बढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपका पेपर फर्स्ट शिफ्ट में था, आपको एग्ज़ाम का कोई आइडिया नहीं था। और अगर हम लोग बात करें जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था उनको देखिए क्या होगा, उनके एग्ज़ाम को अगर आप लोग देखोगे तो हाँ उनका एग्ज़ाम आप लोग जो सेकंड शिफ्ट के बच्चे अगर उनसे आप बात करोगे उनको फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम सिंपल लगेगा, और जो फर्स्ट वाले हैं उनको अगर बात करूँगा तो उनको सेकंड शिफ्ट का आपको सिंपल लगेगा। तो अप्रोक्स में बात करूँगा दोनों एग्ज़ाम का लेवल आसपास सेम था, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में अगर बात करें दोस्तों तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा थे, आपके प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो ये मान लीजिए तो आपको अगर 3 से 5 नंबर आपका फर्स्ट शिफ्ट में और इसी के आसपास 3.5 से लेकर के
5 नंबर के आसपास मान सकते हो। सेकंड शिफ्ट में आपको आसपास नॉर्मलाइजेशन का ठीक ठाक मिल सकता है। आप देखिए जब तक आपके रिजल्ट आएंगे तभी ये चीज़ एकदम बेहतर क्लियर हो पाएंगी कि किसको कितना मिला, लेकिन आपको नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा बहुत जरूर फायदा आपको मिलने वाला है। तो अब बात करें दोस्तों इसके रिजल्ट, देखिए आपका इसमें आपका बहुत ही कम कैंडिडेट है, बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा इसका रिजल्ट आने में, 2 से 2.5 महीना बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके रिजल्ट में आपको लगने वाला है। तो देखिए जिन बहनों के दोस्तों इस कट ऑफ के आसपास आपके नंबर हैं तो वो अपना आगे के प्रिपरेशन, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह कौन कौन से आपके चाहिए उसको मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अपने आपको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए चैनल से जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।